अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक मेरे यूट्यूब चैनल आयशा फैमिली व्लॉग में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। तो इतने दिनों के बाद मैं वीडियो बना रही हूँ आज, क्योंकि वो सिस्टर आई हुई थी पहले, उसकी बेटी ठीक नहीं थी। मैं आपको पता, मैं आपको साथ साथ दिखाती रही, उसको हॉस्पिटल लेके जाते रहे, उसका ट्रीटमेंट चल रहा था। तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है वो। तो अब वो अपने घर भी चली गई हुई है, एक हफ्ता होने वाला है उसको घर चली गई। संडे को गई थी घर, मैं उसको छोड़ के आई थी अम्मी के घर और वो अपने घर चली गई हुई है वापस। बस उनके कोई पर्सनल इशू थे जिसकी वजह से वो यहाँ पे थी, तो बस चली गई घर वापस। अल्लाह पाक ऐसे लोगों को हदायत दे जो नाजायज़ करते हैं किसी के साथ। तो बस वीडियो इसलिए नहीं बनाई थी, एक तो उसकी बेटी की टेंशन थी, दूसरा मैंने कहा चलो वीडियो मैं बनाती रहती हूँ, उसकी टेंशन थी पर्सनल, उसको कुछ इशू थे अपने घर की वजह से, तो अपसेट थी वो। कभी मैं वीडियो बना लेती थी, कभी नहीं बनाती थी, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, वीडियो तो बनती रहेगी। पहले आप लोग मेरी बहन के लिए दुआ कीजिएगा, अल्लाह पाक उसको जो है ना अपने घर में सुकून दे और उसके बच्चों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, मेरे बच्चे को भी अल्लाह पाक अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। आप सबकी दुआएं चाहिए मुझे। इब्राहिम की ना आइस पे आजकल ना यहाँ दाने वाने बन रहे हैं, कभी चले जाते हैं कभी बन जाते हैं, शायद मौसम की वजह से। और वो भी बहुत उदास था क्योंकि उसके बहन भाई चले गए हैं वापस, खुश था उनके साथ, खेलता था रोज़। मेरा दिल करता था मैं वीडियो बनाऊँ लेकिन ना काम में टाइम ही नहीं मिलता था। सुबह हम उठते थे, लेट उठते थे 3-4 बजे, नाश्ता करते थे, रात हो जाती थी, रात होती तो काम करने लग जाते थे, कभी कुछ कभी कुछ। तो मैं मरियम को कहती थी तुम वीडियो बनाओ, तुम स्टार्ट करो, मेरी वीडियो बना दिया करो, तो वो भी बस कहती थी अच्छा, अगले दिन उठती थी भूल जाती थी, नाश्ता बनाती थी। तो मैंने कहा नाश्ते की वीडियो बना लिया करो, फिर उसको जहन से निकल जाता था। तो मैं कहती चलो कोई बात नहीं, अब बाद में सही। तो मैंने सोचा आज क्यों ना आपके साथ भी कुछ बातें की जाएँ और आपको ये बताया जाए कि मैं वीडियो क्यों नहीं बना रही थी। इंशाल्लाह मैं डेली व्लॉगिंग शुरू कर लूँगी, मेरे चैनल को लगता है नज़र लग गई किसी की, मैं रोज़ वीडियो बनाती थी, अब वीडियो बनाने का दिल ही नहीं करता। तो इंशाल्लाह आप लोगों की सपोर्ट रही तो इंशाल्लाह ज़रूर बनाऊँगी, क्योंकि चैनल पर मेरी बहुत ज़्यादा मेहनत है, 1 साल की मेहनत है, इसके साथ मेरे बहुत सारे ख्वाब जुड़े हुए हैं जो कि मुझे पूरे करने हैं। तो इंशाल्लाह बनाऊंगी वीडियो, रोज़ कुछ ना कुछ आपके साथ ज़रूर शेयर किया करूंगी। तो आप सब लोग बताएं कैसे हैं, ठीक हैं? तो मुहर्रम भी चल रहे थे, 9-10 मुहर्रम, मैंने कहा 9-10 मुहर्रम के बाद बनाऊंगी वीडियो। कल 10 मुहर्रम थी, न्याज दी, सारा कुछ किया, और आज इब्राहिम को मैंने भेजा है कटिंग करवाने के लिए, क्योंकि उसके बाल जो है ना ज़्यादा बढ़ के हुए थे। मैंने कहा ये कटिंग करवा के और मैं एक छोटा सा क्लिप बनाऊँ आप सब लोगों के लिए कि मैं वीडियो क्यों नहीं बना रही थी, क्या वजह थी क्या नहीं, सब कुछ मैंने आपको बता दिया। रास्ते में भी मेरा दिल किया कि मैं बनाऊं वीडियो, फिर मैंने कहा रहने दो यार, अच्छा नहीं लगता, क्योंकि काफ़ी लोग बैठे हुए थे गाड़ी में। खैर हम तो सबसे एंड पे थे ना, बुकिंग 4 सीटों की करवाई थी हमने। तो मैं एक दिन में गई हूँ वापस, एक दिन में वापस आ गई हूँ सियालकोट से, अम्मी की कब्र पर जाना था, उधर सलाम करनी थी, तो वो करके मैं वापस आ गई थी। तो आज मुझे टाइम मिला कि मैं छोटा सा कोई क्लिप बनाऊँ आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो इब्राहिम को भी आपसे मिलवाती लेकिन वो बाहर चले गए हैं अपनी कटिंग करवाने के लिए। तो इब्राहिम वापस आएंगे तो अब नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह कोई ना कुछ आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो मुझे खूब सारा सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, आपने सब्सक्राइब किए बिना वीडियो नहीं देखी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।